गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑन द स्टडी चैनल ऑफ मसी सुवाश्रम इंटर कॉलेज। टुडे आई विल टीच प्रोज लेसन फर्स्ट, अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगल्स। अ गर्ल विद अ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की, जिसको लिखे हैं विलियम सी डगल्स ने। आज चूंकि लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोज का, तो मैं इसके पहले आपको बता दूं इनके बारे में कि जो राइटर महोदय हैं विलियम सी डगल्स, वे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और इन्होंने अपने संस्मरण में भारत की एक बालिका के स्वाभिमान की घटना का वर्णन किया है। वह बालिका बहुत गरीब थी, चिथड़े कपड़े पहनी थी और भूखमरी के निकट थी। वह एक सुंदर टोकरी बेच रही थी। न्यायाधीश महोदय ने टोकरी खरीदने के बजाय दान स्वरूप कुछ रुपए देने चाहे, किंतु उस बालिका ने दया और दान लेना अस्वीकार कर दिया। इस घटना से न्यायाधीश महोदय बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भारत और भारतवासियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो जो बातें मैंने आपको बता दिया उसका जिक्र आप जरूर करेंगे। अब हम लोग अपने लेसन के बारे में आते हैं। अब तक तो मैंने पाठ के बारे में बताया, अब लेसन में आते हैं हम लोग। अब दो पैराग्राफ आज हम फिर आपको एक्सप्लेन करके देंगे। आई हैड डैश 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 द प्लेटफॉर्म, पहला पैराग्राफ है, लोग देखेंगे। कहते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फ्रॉम द हिमालयस। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रेस अपोजिट अ 120 मील स्टैश ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस। The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. इसमें कुछ आपको कठिन मीनिंग दिया हुआ है जो देख लेंगे। Located मतलब situated, जिसको स्थित बोलते हैं। Race means a long narrow chain of hills, अर्थात हिंदी में कह सकते हैं लंबी व सक्रिय पर्वतमाला। स्ट्रेस वास्ट एरिया लेंग बिफोर आइस एंड सामने फैला हुआ भूभाग। स्नो कैप्ड बर्फ से ढकी हुई। स्विंग ओपन फोर्स फुल्ली ओपन जोर से खोलना। कंपार्टमेंट रेल का डिब्बा जिसमें यात्री बैठते हैं। इस तरह से कुछ कठिन मीनिंग आपको दे दिया। सीधे हम लोग आएंगे एक्सप्लेन के तरफ। राइटर महोदय कहते, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा। मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से और तब वहां से रानीखेत तक कार से जाना था। रानीखेत में अंग्रेजी सेना का पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी रही है, जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय पर्वतमाला के सामने 6,000 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। रेलगाड़ी धीमी चाल से चल रही थी और मार्ग के प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोल देता था और प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। द प्लेटफॉर्म्स डैश 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 रिपोर्ट्स, कुछ कठिन मीनिंग इसमें भी है बेटा, लेकिन सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ देखेंगे। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद पीपल, सिक्स मुस्लिम्स, हिंदूस, सोल्डर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्ट, पोल्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट।
and dressed in loose white garments, I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic. The news of the day produced in this way, I was trying to get a feel of the pulse of nation, checking opinion against official attitudes and reports. कुछ कठिन मीनिंग इसमें भी है बेटा, इसमें भी देख लेंगे, आपको बता दें. पोल्टर्स बोलते हैं कुलिस लोगों को, जो कुली लोग होते हैं. हॉकर्स फेरी वालों. बेयर फुट नंगे पैर, गारमेंट्स क्लॉथ यानी कपड़े. फील ऑफ द पल्स, एक्चुअल फीलिंग वास्तविक भावना. मेजर टॉपिक, मेजर टॉपिक मेन सब्जेक्ट मुख्य विषय. एटीट्यूड बिहेवियर यानी कि व्यवहार. तो इस तरह से ये कुछ कठिन मीनिंग रहे, इसको भी देख लेंगे. अब सीधे हम लोग आएंगे अपना ग्राफ में. कहते हैं प्लेटफॉर्म पर सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी लगाने वाले व्यक्तियों की भीड़ जमा थी. प्रायः प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए था. मैं पहले कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछता रहा और तब मैं एक व्यक्ति को खोज पाया जो अंग्रेजी बोलता था. हम संसार के मामलों और उस दिन के समाचारों के मुख्य शीर्षक पर बात करते थे. इस प्रकार मैं भारतीय समाज की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था और अपनी अमेरिकी सरकार के दृष्टिकोण तथा सूचनाओं से तुलना करके उनकी जांच कर रहा था. अर्थात यह जानने की कोशिश कर रहा था कि भारत के लोगों की भावनाएं क्या हैं और अमेरिका की सरकार का उनके बारे में क्या विचार है. इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पैराग्राफ आपके सामने मैंने रख दिया, इस आशा के साथ कि होमवर्क के रूप में ये दोनों पैराग्राफ आप अपने कॉपी में एक्सप्लेन करेंगे. 8 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है. जितने बेहतर ढंग से करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा. प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है. घर में है बहुत गोल्डन चांस है कि आप घर में हैं और घर में रह करके समय का सदुपयोग करेंगे. इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपना ये लेक्चर यहाँ फिनिश करता हूँ. थैंक्स.